गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप आसनसोल आए हैं और वैक्स म्यूजियम आपने नहीं देखा तो क्या देखा, बहुत ही अट्रैक्टिव वैक्स म्यूजियम लेकर जा रही हूं आपको। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। और इस तरीके का वैक्स म्यूजियम शायद ही आपने देखा होगा, क्योंकि इसमें है सुशांत सिंह राजपूत और विराट कोहली और साथ ही साथ जाने माने अभिनेता। तो चलिए दिखाते हैं वैक्स म्यूजियम और साथ ही साथ पूरी डिटेल्स के साथ बताऊंगी आपको कि वहां का क्या प्राइस है और किस तरीके का है, कैसे जाओगे आप। तो चलिए देर ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं वैक्स म्यूजियम। ये हमारे घर से 5 मिनट की दूरी में, जी हाँ दोस्तों, 5 मिनट की दूरी पे हमारा वैक्स म्यूजियम है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ निकल चुकी हूँ मोहिशिला कॉलोनी से। अगर आप आते हो SB गोराय रोड से तो आपको SD हॉस्पिटल का नाम तो पता ही होगा। तो SD हॉस्पिटल से अगर आप आते हो तो वहाँ से सीधा ही आपको आना है, और किसी को भी बोलोगे वैक्स म्यूजियम जाना है तो वो आपको सीधा ही लेकर जाएगा। मैं यहाँ पर मोहिशिला कॉलोनी से निकल रही हूँ और ये हमारा सिमुलतला जो मेन जहाँ दुर्गा मंदिर है, जहाँ दुर्गा मंदिर दुर्गा पूजा होती है, ये सिमुलतला पार्क है जो हम क्रॉस कर रहे हैं। और सिमुलतला से थोड़ी ही आगे आपको वैक्स म्यूजियम आ जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ पर निकल चुकी हूँ और अब आएगा वैक्स म्यूजियम। तो आप इसी तरीके से अगर आप स्टेशन से आते हो तो स्टेशन से आपको आना है SD हॉस्पिटल और वहाँ से किसी भी टोटो वाले को बोलना है वैक्स म्यूजियम जाना है दोस्तों। तो दोस्तों ये हम आ चुके हैं वैक्स म्यूजियम, जो कि आप देख ही सकते हो, सुशांत राय वैक्स म्यूजियम एंड शीस महल। ये आप देख रहे हो, ये है एंट्री यहाँ से, और हम पहुँच चुके हैं अभी अभी। हम एंट्री टिकट वगैरह भी कटाएंगे, तो सबसे पहले आपको एंट्री यहाँ की दिखा दूँ। ये है एंट्री। शाम के समय में अगर आप जाते हो तो शाम में जो है आपको लाइटिंग बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर देखिए, आपको मैं जूम करके दिखा दूँ, जिन्होंने ये वैक्स म्यूजियम बनाया है उनसे भी मिलेंगे। ये यहाँ पर बैठे हुए हैं ऑनर, तो उनसे भी मिलवाएंगे आपको। तो सबसे पहले आप एंट्री गेट देख लीजिए, और साथ ही साथ यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, आप इससे जो है एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह भी देख सकते हो। यह है वैक्स म्यूजियम एंड शीस महल, जो कि आसनसोल में है, और यहाँ का एड्रेस आप पढ़ सकते हो, 1 नंबर मोहिशिला कॉलोनी, अरविंद पॉली मोड़, पोस्ट आसनसोल, वर्धमान। तो ये है एंट्री, जो कि काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों। शाम के समय में आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो इस वजह से जो है वेदर बहुत ही अच्छा किया हुआ है। और हम आ चुके हैं यहाँ। अब यहाँ पर आपको एंट्री में बताएंगे कि कितना टिकट प्राइस है और क्या है क्या नहीं है, सारी बातें बताऊँगी। तो वीडियो पर अंत तक आपको बने रहना है दोस्तों। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए। तो गाइस हमने टिकट ले लिया है, ये आप देख सकते हो, सुशांत राय वैक्स म्यूजियम एंड शीस महल का। आप देख सकते हो टिकट, एंट्री फी वैक्स म्यूजियम का 25, शीस महल ₹25। आप देख रहे हो एंट्री फी ₹50 है, ठीक है। एंट्री फीस यहाँ पर बच्चों का टिकट जो है वो ₹50 है, और बड़े का टिकट है ₹100। आप देख सकते हो टोटल मेरा ₹150 प्राइस लगा है। और यहाँ पर आप टाइमिंग देख सकते हो, विजिटिंग टाइम जो है 11 AM टू 8:30 PM, ये ओपनिंग टाइम है, और क्लोजिंग टाइम मैंने आपको दिखाया, साथ ही साथ मैंने टिकट दिखाया। तो ये आपको टिकट जो है वो टिकट काउंटर से यहाँ से ले लेना है। ये हमने टिकट ले लिया, अब हम एंट्री कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये है एंट्री, यहाँ से लाइटिंग आप देख सकते हो, यह है मेन एंट्री। ये गेट कुछ इस तरीके का है, और यहाँ पर आपको जो शूज वगैरह खोल लेना है। तो दोस्तों ये है मेन गेट, आप यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पे हमें मिला है पैर में पहनने के लिए पूरा सैनिटाइज़र। सैनिटाइज करने के बाद, मास्क पहनने के बाद, आपको यहाँ पर पैर पे भी पन्नी जो है वो पहन लेनी है, उसके बाद ही हमें एंटर करने को दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको पैर में पहन लेना है। चलिए चलते हैं। तो ये है एंट्री, चलिए अंदर की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ इस तरीके से जो है वैक्स म्यूजियम आपका यहाँ पर शो हो रहा है।
तो दोस्तों अंदर की ओर आप जाओगे तो बहुत ही अच्छी डेकोरेशन के साथ यहाँ पर शुरू होता है वैक्स स्टेचू जो कि है रोनाल्डो का। और यहाँ पे आप देखोगे इनकी स्टेचू को कितना बारीकी से बनाया गया है दोस्तों। और ये बनाया है हमारे सुशांत राय ने जो कि मोहिशिला में ही रहते हैं और इनका यहीं पर घर है। और इनका देख सकते हो आप रोनाल्डिनो जो कि हैं ब्राज़ीलियन फुटबॉलर, ठीक है, ब्राज़ीलियन फुटबॉलर। और इनके बाद आप देखोगे शैलेंद्र नाथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे शैलेन मन्ना जिनका पूरा नाम शैलेंद्र नाथ है उनका भी है जो कि इंडियन फुटबॉलर प्लेयर है। और उसके बाद आप देखोगे नीरज चोपड़ा की स्टेचू जो कि हूबहू आप देखोगे वैसे ही उतारी गई है। तो बहुत अच्छी अच्छी स्टेचूज़ यहाँ पर बनाई गई है वैक्स से, वैक्स म्यूज़ियम जो कि बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का आप देख रहे हो। और ये है हमारे कलाकार उत्तम कुमार और सुचित्रा जी जिनका पूरा हूबहू जो है आप आईज अगर सामने से देखोगे तो पूरा का पूरा आपको सेम दिखेगा, मतलब एकदम लगेगा कि ये खड़े हुए हैं। अब उसके बाद आता है केबीसी का मंच, यहाँ पर केबीसी का मंच भी बनाया गया है जो कि आप जैसे ही यहाँ पहुँचोगे तो यहाँ पर म्यूज़िक के साथ यहाँ पर केबीसी का मंच जो है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद आता है विपिन चंद्र रावत का स्टेचू, तो यहाँ पर आप देख सकते हो केबीसी के स्टेज पर अमिताभ सर बैठे हुए हैं। उसके बाद जो है ये स्टेचू जो है वो है विपिन चंद्र रावत का स्टेचू जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और ये वैक्स म्यूज़ियम में जैसे ही आप आओगे आप देखोगे आपको यकीन नहीं होगा कि हूबहू पूरी की पूरी जो है फ़ोटो जो है वो उतार दी गई है। तो बहुत ही अच्छा लगा ये स्टेचू। और हमने बात भी की सुशांत सर से, सुशांत रॉय इनका नाम है और इनकी एक बेटी भी है जो इनके साथ इनका स्टेडियम जो है वो चलाती हैं। बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके। और सर ने कहा कि वो कोलकाता से जितना भी मटेरियल जो है वो वैक्स वगैरह सब कुछ कोलकाता से ही लाते हैं और काफ़ी मेहनत से इन्होंने ये जो वैक्स म्यूज़ियम है वो जो तैयार किया है और बहुत ही पैसे खर्च किए गए हैं। पहले इस वैक्स म्यूज़ियम में कोई चार्जेस वगैरह नहीं थे, लोग फ्री में आते थे और देख कर जाते थे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का जब स्टेचू बनकर तैयार हुआ तब से इस यहाँ पर एंट्री फी जो है वो देना स्टार्ट हो गया। ये है ज्योति बासु सर जिनका स्टेचू यहाँ पर बनाया गया है, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। तो हम भी यहाँ पर गए, हमें काफ़ी अच्छा, मैं तो बहुत बार जा चुकी हूँ। और ये है हमारी ममता दीदी जो कि आप जानते ही होंगे बंगाल की। तो यहाँ पर ममता दीदी बिल्कुल बैठी हुई है अपने प्रोफेशन में और अपने चेयर में बैठी हुई है, हूबहू बिल्कुल लग रही है वैसे ही सेम टू सेम। तो बहुत अच्छा लगा ये सब स्टेचू देखकर। हमने सर से बात भी की, सर ने कहा कि उनको उनका ये हॉबी है कि वो हर जो भी फेमस कलाकार है उनका स्टेचू बनाए। तो ये बहुत सारे सीएम वगैरह से भी मिले हुए हैं, पीएम से मिले हुए हैं, हर लोगों ने इनकी तारीफ़ की है दोस्तों। साथ ही साथ इन्होंने सचिन तेंदुलकर का भी स्टेचू बनाया हुआ है जो कि कोलकाता स्टेडियम में रखा गया है, इनका कोलकाता में भी है वैक्स म्यूज़ियम, तो वो भी काफ़ी फेमस है। तो आप यहाँ जब भी आते हो तो इस वैक्स म्यूज़ियम में ज़रूर आइएगा, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बारीकी से जो है इसे सजाया गया है। इनका काम देखकर आपको यकीन नहीं होगा, इन्होंने इतनी मेहनत की है इस स्टेचू को बनाने में। आप देख सकते हो एक एक स्टेचू को आप देख सकते हो जो कि काफ़ी साल पुराना है लेकिन अभी भी ये इतने अच्छे से मेंटेनेंस करके रखा है इन्होंने। राजमोहंस हैं आप देख सकते हो, राजमोहंस यहाँ पर जितने भी स्टेचू है आप देख रहे हैं, विराट कोहली जी हैं, तो हर तरह के स्टेचू इन्होंने तैयार किए हुए हैं और हर साल एक नई स्टेचू तैयार करते हैं। तो इनका स्टेचू, इनका म्यूज़ियम जो है वो काफ़ी फेमस हो गया है जब से सुशांत सिंह राजपूत सर का वैक्स म्यूज़ियम इन्होंने, वैक्स स्टेचू जब से तैयार किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे चार्ली चैपलिन की स्टेचू बनाई हुई है, अमिताभ बच्चन सर की बनाई हुई है और साथ ही साथ यहाँ पर कार्टून कैरेक्टर भी बहुत सारे बनाए गए हैं। मतलब इनको कितना समय लगता होगा, इतना समय खर्च करके इन्होंने ये स्टेचू जो है वो तैयार किए हैं। और चार्जेस भी बहुत ज़्यादा नहीं लिए जा रहे हैं, बच्चों के 50 रुपीज़ और बड़ों के 100 रुपीज़। अंदर जाकर आप देखोगे तो आपको काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो दोस्तों जब भी आप वेस्ट बंगाल आते हैं, आसनसोल आते हैं, तो मोहिशिला कॉलोनी में आप आइए। और अगर आप एस बी गोराई रोड से आते हैं तो आप एस बी गोराई रोड से सीधा जो है
एसडी हॉस्पिटल के रोड से आइए और वहाँ पर है वैक्स म्यूजियम, सुशांत राय वैक्स म्यूजियम है, जहाँ पर आप देख सकते हो इतनी बड़ी बड़ी कलाकारों की स्टेचूज। तो देखिए आगे वीडियो में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। शंकराचार्य जो है, इनकी स्टेचू भी बहुत पहले से बनी हुई है और आइस को देखकर आप बोलोगे, इतनी सामने से मैंने आइस को दिखाया है, बिल्कुल जो है हूबहू अभी तक वैसे ही है। मतलब मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है इनको। मैंने इनसे बात की, इन्होंने कहा बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करना पड़ता है ताकि मोम जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि इसे पूरा मोम से बनाया गया। अब बात करते हैं यहाँ पर सुशांत सिंह सर की, जो कि जब इनकी डेथ हुई थी तभी इन्होंने लॉन्च किया था ये स्टेचू, और ये स्टेचू काफ़ी फेमस हुई थी और उन्होंने याद करते हुए अपनी मेमोरी में इनको बताया था कि हमने ये स्टेचू जो है आपकी मेमोरीज के रूप में यहाँ पर रखी हुई है। जो लोग आते हैं ये स्टेचू देखकर काफ़ी भावुक हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, जो कि अभी तक इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेनेंस करके रखा हुआ है। तो आइए आप भी और इन सब वैक्स स्टेचू का जो है वो आनंद लीजिए। आगे और भी है वीडियो में, आप देखोगे शीश महल भी है ऊपर में, जो कि पूरे कांच से बनाया गया है। और ये है अमिताभ बच्चन सर, जिनकी स्टेचू बहुत पहले इन्होंने बनाई थी और ये स्टेचू बनाने के बाद ही उन्होंने KBC का मंच भी तैयार किया दोस्तों।